नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एक बार पुनः हम आपको सहकावटी की सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल यानी BBIS का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर एनुअल स्पोर्ट्स मीट चल रहा है। कल भव्य उद्घाटन समारोह के साथ इस प्रतिस्पर्धा का आगाज हुआ था। आज दूसरा दिन है, अनेक प्रतियोगिताएँ आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि स्कूल में 600 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चा अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है और आज अनेक तरह के खेल यहाँ पर खेले जा रहे हैं। आइए आज दूसरे दिन के खेल की कुछ झलकें आपको दिखाते हैं। बच्चों की रस्साकसी का खेल हो रहा है और प्रिंसिपल बच्चों को बता रही हैं। ये ग्रीन में एमरेट टीम है और ये ब्लू में सफायर। रस्साकसी का खेल हो रहा है। मजा ले रहे हैं, देखिए रस्सी टूट जाने का भी मजा लिया जा रहा है। ये देखिए मटका दौड़, एक मटकी बच्चे की गिर गई है और ये देखिए बच्ची बहुत तेज गति से आसानी से आ रही है। और ये एक नंबर, ये दो नंबर और तीसरे नंबर के लिए देखिए बैलेंस बिगड़ रहा है बच्ची का, लेकिन पहुंच गई है। और ये चौथे स्थान के लिए बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और परिधि विजेता रही है। देखिए बच्चों को ग्लूकोज खिलाया जा रहा है ताजगी के लिए। लड़कियों की मटका रेस के बाद में लड़कों की मटका रेस हो रही है। वैसे आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में औरतें और लड़कियां पानी लेने के लिए जाती थी, हालांकि आजकल इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, हर घर में नल है, लेकिन फिर भी लड़कियां ये काम बखूबी कर सकती है। अब देखते हैं लड़के मटका रेस में किस तरह से दौड़ते हैं। मटका माथे पर लेकर क्रॉस लाइन तक जाना है और अभी लड़कियों की रेस थी, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन लड़कियों का रहा। आप देखते हैं लड़के कितने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं मटका सर पर लेकर। ये देखिए लड़के माथे पर मटकी लेकर अब दौड़ेंगे, दौड़ना नहीं कहूँगा, चलते हुए आते हैं। हालांकि कहने को ये मटका दौड़ है लेकिन मैं इसको मटका चाल ही कहूँगा। और ये देखिए पहले से बैलेंस बिगड़ने लगा है और मटके अच्छा चल, ये हाथ निकल गया और ये आगे आगे इसने हाथ लगा दिया था पहले और अभी भी आप देख रहे हैं। ये देखिए बैलेंस बनाने का तरीका हाथ से और ये भी देखिए दोनों हाथ आगे करके पूरे बैलेंस के साथ आ रहा है, बहुत सदी विचाल के साथ। और ये भी पहुंच गए हैं। अभी आपने देखा वो ट्रायल था और अब फाइनल ये रेस हो रही है। एक मौका दिया गया था बच्चों को ट्रायल का और देखते हैं अब कैसा प्रदर्शन रहता है। और एक बच्चे की मटकी नीचे गिर गई, ये देखिए बहुत आसानी से ये लड़का आगे आ रहा है अच्छा बैलेंस बताते हुए और ये जीत गया है, पहुंच गया है दूसरे स्थान के लिए। ये देखिए कितने ध्यान से चल रहा है ये और ये भी पहुंच गया है लक्ष्य पर। और तीसरे स्थान के लिए ये लड़का देखिए देखिए किस तरह से ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल गर्दन सदी हुई सीधे और कहीं गिर नहीं जाए, लक्ष्य के पास पहुँच गया है। बहुत धीरे धीरे सावधानी से चल रहा है देखिए और नज़र देखिए इसकी बिल्कुल लक्ष्य की तरफ। अच्छा अच्छा प्रयास है बच्चे का देखिए और ये पहुंच गया है देखिए खुशी देखिए बच्चे की। योगेश प्रथम रहा है और नरेश दूसरे स्थान पर रहा है, विनीत प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहा है। BBIS में चल रहे NL स्पोर्ट्स में ये इस समय आप मुकाबला देखेंगे, जूनियर्स लड़कियों का कबड्डी का मुकाबला खेला जा रहा है और आप देख रहे हैं दोनों टीमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। थोड़ा खेल हो चुका है और मैं इसको ज्वाइन करता हूं और देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां, क्योंकि आजकल कबड्डी काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स जैसा चैनल है वो भी कबड्डी को प्रमोट कर रहा है प्रो कबड्डी के माध्यम से।
देखते हैं बीबीए इस कबड्डी में प्रदर्शन नन्नी मुनी बच्चों का कैसा रहता है। कोरल और टॉपेज के बीच जूनियर्स का कबड्डी मैच चल रहा है इस समय। पीछा किया गया रेडर का और ये शानदार रेड, एक अंक हासिल किया टॉपेज को, एक अंक गंवाना पड़ा। कोरल ने अंक प्राप्त किया और ये मैच बराबर की स्थिति में है। बता दूं दोनों के बीच मुकाबला बराबर की स्थिति में, इसलिए 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिए गए हैं। बराबर अंक रहे दोनों के 12-12। ये देखिए बच्चा पार्टी सारी जो पूरा मजा ले रही है खेलों का। मैच बराबर की स्थिति में है, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है और ये टॉपेज के खिलाड़ी रेड करते हुए देवेंद्र जो कि सबसे अच्छे डिल्डोल के खिलाड़ी हैं और बाहर कर दिया है रेफरी। देखते हैं और एक पॉइंट मिला है यहाँ पर। ये बता रहे हैं कि क्रॉस हो गया, खिलाड़ी को आउट घोषित किया गया है। कोरल को एक अंक मिल गया है और अब कोरल के खिलाड़ी रेड करते हुए और ये एक पॉइंट हासिल कर लिया है चंद्र प्रकाश की शानदार रेड। और अब ये टॉपेज की रेड है, रोहित रेड कर रहे हैं। जूनियर्स का ये कबड्डी मुकाबला जो कि बराबर रह गया था, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अंक जुटाने का प्रयास हो रहा है लेकिन आउट हो गए, टाइम आउट। और ये आसानी से अंक लेकर आ गए हैं। कोरल की टीम बढ़त बनाए हुए एक्स्ट्रा टाइम में, टॉपेज के खिलाड़ी रेड करते हुए। अच्छी रेड है लेकिन अभी तक पॉइंट नहीं जुटा पाए हैं। कौशल रेड कर रहे हैं और ये पकड़ लिया गया है। हर बार फिर कोरल को एक अंक मिला, आखिरी खिलाड़ी है और इसको भी आउट कर दिया है और बहुत आसानी से ये बोनस पॉइंट भी मिले हैं ऑल आउट करने के लिए। और एक बार फिर पॉइंट कोरल को 10-0 से बढ़त बनाए हुए। टॉपेज की टीम पूरी तरह से पिछड़ गई है और देवेंद्र और यही हाल लीजिए फिर पॉइंट लेके आए हैं, 2 पॉइंट और मिल गए हैं, 12 अंक हो गए हैं। और ये देखिए फिर पकड़ लिया है कोरल, पूरी तरह से पछाड़ चुकी है यहाँ पर टॉपेज को, 13-0 टॉपेज बुरी स्थिति में इस समय, 13-0 कोरल। 5 मिनट का टाइम है, एक और पॉइंट, 14-0 टॉपेज के खिलाड़ी रेड करते हुए। अभी खाता ही नहीं खुला है यहाँ पर इस टॉपेज टीम का जो कि येलो टी शर्ट में है। और ये पकड़ लिया गया, फिर से पकड़ लिया गया, 14-0 करारी हार की तरफ। कोरल के सबसे तगड़े खिलाड़ी फिर से रेड करने के लिए आते हैं, एक ही खिलाड़ी है आराम से और ये बोनस पॉइंट भी 2 मिल जाएंगे। और 17-0 स्कोर है यहाँ पर ये रेड टी शर्ट यारिन कोरल का। और इसी के साथ खेल ख़त्म हुआ, खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी 2 मिनट और हैं बता रहे हैं। और टॉपेज के खिलाड़ी देखते हैं कब खाता खोलते हैं, सबसे भारी खिलाड़ी हैं जो इस समय रेड कर रहे हैं। एक तरफा मुकाबला चल रहा है, 17-0 है कोरल की टीम, टॉपेज का खाता नहीं खुला अभी तक, देखते हैं कब खुलता है। और इस बार एक पॉइंट मिला है, पहला अंक मिला है यहाँ पर टॉपेज को, ये खिलाड़ी बाहर निकल गए हैं। कोरल की रेड आसानी से एक अंक लेकर आ गए हैं, 18 अंक कोरल, 2 अंक हैं टॉपेज के। एक बार फिर से सबसे तगड़े खिलाड़ी टॉपेज के रेड करते हुए। बीबीएएस में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट में
जूनियर्स का कबड्डी मुकाबला आप देख रहे हैं। और ये एक अंक टोपेज को और मिला, तीसरा अंक है इनका। और इसी के साथ खेल खत्म हुआ और कोरल ने मुकाबला एक तरफा जीत लिया है। एक्स्ट्रा टाइम में 19-3 रहा, 19-3 ये रेफरी और स्कोरर, और कुल स्कोर रहा 32-48। रेफरी भवन सिंह जी और योगेश जी चतुर्वेदी जो स्कोरर थे इस मैच के, और मैच रेफरी थे कुंदनवल जी। अब ये कबड्डी का जूनियर्स का मुकाबला, टोपेस और कोरल के बीच, टोपेज और कोरल के बीच मुकाबला है। रेड हो रही है यहाँ पर, जूनियर लड़कियों का मुकाबला हो रहा है कोरल हाउस और टोपेज हाउस के बीच। कोरल हाउस की टीम रेड करती हुई, और ये पॉइंट लेके आई आखिर में टोपेज की खिलाड़ी। और बहुत शानदार पैर से छू दिया था, एक पॉइंट हासिल किया टोपेज ने। अब सोनिया रेड कर रही है, छोटी छोटी बच्चियां कबड्डी खेलती हुई। बोल के बता दिया था तो आउट हो रही, इसलिए लड़की को आउट होना पड़ा है क्योंकि सांस टूट गया था। यही तो बच्चों का है। रेड के दौरान ओ ये फिर से टोपेज को पॉइंट मिल गया है, और ये फिर से रेड कोरल हाउस की बंटी रेड करती हुई। जूनियर लड़कियों का कबड्डी मुकाबला इस समय हो रहा है। बाहर से हिदायतें मिल रही है कि आजा टाइम हो रहा है। टोपेज की प्लेयर रेड, और ये पॉइंट लेके आई है टोपेज की खिलाड़ी। कोरल 7-1 से बढ़त बनाए हुए, इनके 7 अंक है और ये 8वां अंक लेकर आई है। 8-1 ऑल आउट कर दिया और 10 हो गए, 2 बोनस पॉइंट भी मिले हैं ऑल आउट के लिए। 10-1 का स्कोर है, यानी कोरल की टीम पूरी तरह से पिछड़ रही है, केवल 1 अंक है इनका। रेड करती हुई इस समय कोरल की टीम 10-1 से पिछड़ रही है कोरल, यानी येलो में जो है टोपेज जिनके 10 अंक हैं और आराम से पकड़ लिया गया है। बहुत ख़राब रेड थी, कोरल लगातार पिछड़ रही है, 1 अंक है, 11 हो गए हैं। और ये बाल पकड़े थे लेकिन आ गई, और पकड़ना ये नियम के खिलाफ है वैसे भी, और खिलाड़ी को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 1 डज़न अंक हो गए टोपेज के, 12 कोरल के 1 ही हैं। विसल के बिना चली गई थी खिलाड़ी रेड के लिए। हाफ टाइम हो गए हैं और पाले चेंज किए जा रहे हैं। 13 है इनके टोपेज के, जो कि येलो टी शर्ट में हैं। वंशिका रेड कर रही हैं, टोपेज लगभग मुकाबला जीत चुकी है क्योंकि 13-1 बढ़त हैं और कोरल के लिए इसको पाटना बहुत मुश्किल है। टाइम आउट हो सकता है, बाहर से लड़कियां कह रही जल्दी से चली जा। और अब टोपेज की खिलाड़ी रेड के लिए, देखिए बाहर बैठी खिलाड़ी
जो हैं वो हिदायत दे रही हैं ऐसे कर ले ऐसे कर ले, और ये 14 अंक मिला है इसी के साथ। ये जूनियर्स लड़कियों का कबड्डी मुकाबला है और रेड की जा रही है, आप देख रहे हैं। कोई अंक नहीं मिला, हाफ टाइम हुआ है और यहाँ पर खो खो का मुकाबला चल रहा है सीनियर्स का। खो खो मैच चल रहा है इस समय। बीबीआई में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट में सीनियर्स कबड्डी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, माफी चाहता हूँ, खो खो का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। खो खो फाइनल मुकाबला है, नहीं छू पाए, खुद आउट हो गए। सफायर और एमिरेट्स के बीच है, सफायर ब्लू में और ग्रीन में एमिरेट्स। खो खो का सीनियर्स फाइनल मुकाबला है और ये छू दिया है और ये देखिए जीत गए हैं यहाँ पर एमिरेट्स। हाफ टाइम हुआ था, ये अब दूसरा गेम हो रहा है। एमिरेट्स 3-0 से आगे हैं। दूसरा गेम शुरू हो रहा है, सफ़ायर 3 है और ये जो बैठे हैं ये एमिरेट्स है, इनका भी कोई अंक नहीं है और अब खेल शुरू हो रहा है। आउट कर दिया है, एक अंक मिल चुका है। पहला अंक मिला है सफ़ायर को। एमिरेट्स 3 सफ़ायर 1। खो मैच देख रहे हैं आप, 3-1 स्कोर है, ब्लू में एमिरेट्स और ग्रीन में सफ़ायर, सफ़ायर 3 एमिरेट्स 1। एक अंक और मिल गया है। ये सपना दौड़ती हुई, ओ ये अंक मिल गया है। और ये अंक फिर से एमिरेट्स को मिला और स्कोर बराबर हो गया, 3-3। शानदार मुकाबला हो रहा है और एमिरेट्स को एक अंक और मिल गया है। एमिरेट्स पिछड़ रहा था, अब एक अंक की बढ़त बना ली है और ये एमिरेट्स को एक और अंक मिल गया और इस तरह से सफ़ायर जीत गया है।
पिछड़ने के बाद 5 दिन से। ये देखिए जीत की खुशियां मनाई जा रही है, पिछड़ने के बाद मैच जीत लिया है। यहाँ पर हिट द टारगेट मुकाबला हो रहा है, जिसमें इनको हिट करना होता है और छोटे बच्चों को 3 गेंदें दी जाती है, देखते हैं वो कितने को हिट कर पाते हैं। अभी तक निशाना नहीं लग रहा है। अभी तक कोई भी बच्चा टारगेट को हिट नहीं कर पाया है। नन्हे मुन्ने बच्चों के खेल हो रहे हैं। हिट द टारगेट 3 बॉल दी जाती है और इनको हिट करना होता है। 3 गेंद एक खिलाड़ी को दी जा रही है और इस बार हिट कर दिया है इस बच्चे ने। सामने बच्चे के चेहरे पे जाके लगी गेंद। ये देखिए हिट द टारगेट, 3-3 गेंदें दी जा रही है बच्चों को और ये सामने जो टारगेट रखे गए हैं इन पर हिट करना होता है। हिट नहीं कर पाए। ओ इस बार इस बच्चे ने हिट कर दिया है, इसने भी किया है। लक्ष्य पर निशाना मारना होता है। 3 गेंद एक बच्चे को दी जा रही है। इस बार बच्चे ने हिट कर दी है, नहीं लगा निशाने पर बॉल। बच्चे एक एक पल का आनंद ले रहे हैं। बीबीआई इसमें एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स का दृश्य आप देख रहे हैं। प्रिंसिपल मधु जी सिकावत अपनी पूरी टीम के साथ बच्चों को एक एक स्पर्धा के बारे में बता रही हैं। बीबीआईएस में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स में अब एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर फाइनल हो रहा है वॉलीबॉल का, एमिरेट्स और सफाई के बीच में। दोनों टीमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कतारबद्ध हो चुकी हैं और उम्मीद है कि अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमों में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और मैं पुनः बता दूँ वॉलीबॉल को ये फाइनल मुकाबला अब यहाँ पर होने वाला है। सफायर और एमिरेट्स के बीच मुकाबला हो रहा है वॉलीबॉल का फाइनल और टॉस करवा रहे हैं रेफरी संग्राम जी। ब्लू में एमिरेट्स हैं और ग्रीन में है सफायर और वॉलीबॉल का फाइनल शुरू हो रहा है और सफायर के खिलाड़ी यहाँ पर सर्विस करते हुए और ये वॉली बनाने का प्रयास। वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला है ये, अच्छा वॉली लेकिन ब्लॉक किया वहाँ पर। सफायर वर्सेस एमिरेट्स के बीच ये वॉलीबॉल का फाइनल है, अच्छा ड्रॉप किया था लेकिन वहाँ पर उठा लिया था ये बाहर की तरफ जाती हुई, लेकिन अच्छा खेल दिखाया वहाँ पर। और इसी के साथ ये सर्विस चेंज और 1-1 है इस समय स्कोर, बेस्ट ऑफ 3 हो गई और नेट पर अच्छा खेल यहाँ पर। लंबे गेंद के खिलाड़ी ने ड्रॉप किया वहाँ और बहुत अच्छा गेम यहाँ पर और एमिरेट्स को 1 अंक मिला, स्कोर 2-1। सर्विस एमिरेट्स की सेंटर में, अच्छा यहाँ पे खेल नेट के ऊपर से हल्के से उछाल दिया था और ये अच्छी वॉली लेकिन ब्लॉक किया वहाँ पर, 1 और अंक मिला एमिरेट्स को। ड्रॉप किया एमिरेट्स के खिलाड़ी ने, बैक शॉट, ओ गलती की एमिरेट्स ने यहाँ पर, 1 अंक सफायर को मिला। अच्छे से उछाला ये वॉली बनाने का प्रयास, हल्के से उछाल दिया विपक्षी खेमे में, नेट पर अच्छा खेल, शानदार वॉली, बेहतरीन खेल लंबे गेंद के खिलाड़ी का और 1 अंक हासिल किया। सबसे लंबे गेंद के खिलाड़ी है, 6 फीट 2 इंच के और अच्छा खेल रहे हैं। शानदार मुकाबला हो रहा है, ये फाइनल है वॉलीबॉल का सीनियर्स का।
4-3 स्कोर हो चुका है, 4-3 एमिरेट्स, 4 सफायर 3। अब एमिरेट्स की यहां पर सर्विस, 5 एमिरेट्स 3 सफायर। अच्छा खेल है नाटे के खिलाड़ी, ऑफ शानदार खेल, लेकिन अच्छा बचाव वहां पर। 5-3 स्कोर है, ब्लू एमिरेट्स 5 और सफायर 3। अच्छा मुकाबला, बहुत शानदार वॉली ब्लॉक किया लेकिन सफल नहीं रहे। ओ बहुत बढ़िया सर्विस थी लेकिन नेट पर बहुत अच्छा खेल, शानदार सीधा सीने पर आई थी गेंद, शानदार वॉली। ओ इस बार गलती की लंबित के खिलाड़ी ने, एक अंक मिला यहाँ पर सफायर को। गेंद बाहर चली गई, एक अंक फिर मिला सफायर को। एमिरेट्स को माफी चाहता हूँ, हल्के से उछाला वॉली बनाने का प्रयास, गेंद बाहर चली गई, एमिरेट्स को फिर एक अंक मिला और 7-5 स्कोर है, एमिरेट्स 7 सफायर 5। बहुत शानदार वॉली, बेहतरीन वॉली, सबसे अच्छी वॉली थी ये, बहुत तेज शॉट था। एक अंक और मिला एमिरेट्स को, 8-5 स्कोर। अच्छी, बहुत अच्छी सर्विस, सेंटर में बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये, बेहतरीन वॉली, शानदार वॉली लंबे के खिलाड़ी की। 9-4 स्कोर हो चुका है, एमिरेट्स के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खिलाड़ियों के नामों की मुझे जानकारी नहीं है। और बाहर निकल गई लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा खेला, और ख़राब खेल यहाँ पर, एक अंक फिर एमिरेट्स को मिला। नौ 5 स्कोर हैं, बहुत अच्छा, ख़राब रही सर्विस, बार अच्छी सर्विस नहीं थी, नेट पे मार दिया था, फ्लैट सर्विस करना चाहते थे, पहली बार गलती की यहाँ पर सर्विस में। बहुत अच्छा शॉट था लेकिन बचाव किया गया वहाँ पर, और ये नेट पर जोरदार वॉली, शानदार खेल एमिरेट्स का, बहुत अच्छा मौका था, अच्छी गेंद नेट पर मिली, जोरदार प्रहार किया, एक अंक जुटाया, फिर से सर्विस यहाँ पर एमिरेट्स की, अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस, बहुत शानदार सर्विस, एक और अंक मिला, 12-6 स्कोर है। पहले सेट में जीत की तरफ जा रही है एमिरेट्स, 15 का है सेट, बाहर निकाल दिया, एक अंक फिर से मिला, 13-6। शानदार सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस करें, एक बार गलती जरूर की थी। एमिरेट्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं और 14-6 और पहला सेट जीत की तरफ, सेट पॉइंट है यहाँ पर, 14-6 स्कोर सर्विस यहाँ पर एमिरेट्स की, और इसी के साथ पहला सेट जीत लिया है एमिरेट्स ने 15-6 से। सफायर अब इस पाले में आ गए हैं, पहला सेट हार गए हैं ग्रीन टी शर्ट यानी सफायर, एमिरेट्स ने 15-6 से पहला सेट जीत लिया है और एक और जीते सीधे फाइनल जीत जाएंगे। अच्छी सर्विस थी यहाँ पर, शुरुआत में ही सर्विस से पहला अंक जुटा लिया है एमिरेट्स ने, फिर से सर्विस बहुत बढ़िया, बचाव यहाँ पर, वॉलीबॉल का ये फाइनल मुकाबला सीनियर्स का है। बहुत बढ़िया ड्रॉप किया, शानदार खेल एमिरेट्स का, 2-0 दूसरे सेट में, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वहीं सफायर की टीम रंग में नज़र नहीं आ रही है, अच्छा ड्रॉप किया और ये वॉली बनाने का प्रयास, बहुत बढ़िया खेल, बहुत बढ़िया खेल, 3-0
एमिरेट्स। बहुत ख़राब खेल चल रहा है अभी तक सफ़ायर का। बहुत बेहतरीन ड्रॉ, बहुत सुंदर खेला इन्होंने, 4-0 लगातार दूसरे सेट में बढ़त बनाए हुए। अच्छी सर्विस, फिर से गलती की, 5-0 हो गए हैं। मैन इन ब्लू यानी एमिरेट्स 5-0 दूसरे सेट में। ख़राब सर्विस थी इस बार, नेट पे खेल गए थे, पहला अंक मिला है यहाँ पर, वो भी एमिरेट्स की गलती से सर्विस के चलते। बहुत बढ़िया खेल। और ये वॉली शानदार शॉट, नहीं बचा पाए, ब्लॉक नहीं कर पाए। 6-1, खिलाड़ी आपस में गुस्सा करते हुए, क्योंकि पराजय की निराशा है ये, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, खराब खेल, स्कोर 7-1, पूरी तरह से दूसरे सेट में भी पिछड़ रहे हैं। एक और पॉइंट, 8-1, बहुत जल्दी ये मुकाबला ख़त्म कर देना चाहते हैं एमिरेट्स। 8-1 स्कोर हैं और पहला सेट 15-6 से हार चुके हैं। शानदार सर्विस, बेहतरीन सर्विस, बचाव नहीं कर पाए, रोक ही नहीं पाए। 9-1 हो गया स्कोर। BBAS का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है वॉलीबॉल का, सफ़ायर और एमिरेट्स के बीच। सफ़ायर पहला सेट 15-6 से जीतने के बाद दूसरे सेट में 10-1 की विजयी बढ़त बना रहे हैं, और फिर से शानदार खेल, 11-1। सीधे सेटों में ये फाइनल जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर्विस, और ये वॉली बनाने का प्रयास ड्रॉप किया इस बार, अच्छा बचाव। ओ, बाहर ड्रॉप किया, लेकिन बाहर खेल गए थे। एक अंक मिला काफ़ी देर के बाद में यहाँ पर सफ़ायर को, और सर्विस पे 11-2 स्कोर। ये वॉली का प्रयास, अच्छा ड्रॉप, लेकिन बचाव कर लिया इस बार। एक और वॉली बनाने का प्रयास हो रहा है। शानदार खेल, बेहतरीन खेल, एक और अंक मिल गया यहाँ पर एमिरेट्स को। 11-2 सर्विस चेंज, और ख़राब सर्विस बार, नेट में मार दिया था। 11-3 एमिरेट्स, एक सेट जीतने के बाद दूसरे सेट में बड़ी बढ़त है। और अच्छा ड्रॉप इस बार, एक अंक मिला है सफ़ायर को। 11-3 हो गया स्कोर, सर्विस सफ़ायर की। ओह, ख़राब खेल, एक और अंक, अब लगातार अंक मिल रहे हैं, चौथा अंक मिला है। 11-4 शानदार शॉट, बहुत बेहतरीन वॉली, 12-4 हो गया स्कोर। अच्छी सर्विस, और ये वॉली बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शॉट, बेहतरीन वॉलीबॉल का प्रदर्शन यहाँ पर। 13-5 है स्कोर। अच्छी सर्विस, बहुत मुश्किल है बचना यहाँ पर, और खुद की गलती की, खड़े रहे गेंद को देख रहे, और एक अंक मिल गया। 13-6 स्कोर, कोई चमत्कार ही बचा सकता है कोरल को। सफ़ायर को माफी चाहता हूँ, रिवर्स शॉट। ओ, खराब खेल, और मैच पॉइंट है यहाँ पर, अब मैच पॉइंट एमिरेट्स के लिए। और इसी के साथ ये मुकाबला एमिरेट्स ने आसानी से जीत लिया है, सीधे दो सेटों में, एक तरफा मुकाबले में। यह देखिए जीत की खुशी, फाइनल मुकाबला जीत लिया है वॉलीबॉल का। 15-6 से दोनों लगातार सेट जीत लिए हैं। अभी आपने देखा BBIS में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट में वॉलीबॉल का एक मुकाबला, जो बिल्कुल एक तरफा रहा एमिरेट्स और सफ़ायर के बीच में, जिसमें लगातार दो सेटों में 15-6 से एमिरेट्स ने यहाँ पर
आसानी से मुकाबला जीत लिया। वॉलीबॉल जो कि धीरे धीरे भारत में निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो रहा है और युवाओं में इस खेल के प्रति रुझान भी है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ये खेल काफ़ी खेला जाता है। और यहाँ पर भी वॉलीबॉल का बॉल भारती जो इंटरनेशनल स्कूल है वो अनेक टूर्नामेंट में दबदबा रहा है। और हालांकि एमिरेट्स के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार मुकाबला यहाँ पर जीता है, लेकिन विपक्षी टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं थी। आज का दिन था वो एमिरेट्स का था और उन्होंने 15-6 से सीधे सेटों में फाइनल मुकाबला जीता। अब आपको रस्सा खस्सी का खेल दिखा रहा हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर रस्सा खस्सी करेंगे, ताकत का खेल है। एक रस्सा होगा, दोनों 20-20 लड़के रहेंगे और एक दूसरे की तरफ रस्से को खींचेंगे। देखते हैं कौन मुकाबला जीता है। ये ताकत का खेल है, देखते हैं BBIS के बच्चे इस ताकत में कैसा दमखम दिखाते हैं। रस्सा कस्सी का खेल शुरू हो रहा है, ये सेंटर लाइन है और प्रिंसिपल मैम बच्चों को बता रही है। ये देखिए दोनों टीमों, और बता दूं आपको 27 बच्चे हैं। ये सफाई टीम है जिसके 27 बच्चे आप देख रहे हैं रस्सा खींचने के लिए तैयार हैं। और ये एमिरेट हाउस रस्सा खसी, और ये देखिए तैयार है दोनों, रस्सा खींचने के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। बीच में आप देख रहे हैं सेंटर लाइन जहाँ पर बैठ, और ये देखिए रस्सा खींचना शुरू हो गए हैं। देखिए ताकत लगाई जा रही है, ये देखिए पूरी ताकत लगा रहे हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी। और देखिए हुटिंग हो रही है, जोरदार मुकाबला यहाँ पर बच्चों की रस्सा खस्सी का। ये जीत गए, उनको बाहर निकाल दिया। देखिए जीत की खुशियां, देखिए क्या बात है। सफायर की टीम जीत गई है ये मुकाबला रस्सा खस्सी का, सफायर जीत गई है ये मुकाबला। और अब कोरल और टोपेज के बीच एक कोरल की टीम है और ये टोपेज की टीम है रस्सा खस्सी का। अब अगला मुकाबला रस्सा खींचने के लिए ये टोपेज की टीम, और ये सेंटर लाइन, और ये कोरल हाउस। रस्सा खस्सी का अगला मुकाबला हो रहा है और इस बार 21-21 बच्चे हैं दोनों तरफ, टॉपेस और कोरल हाउस। और ये टॉपेज और कोरल हाउस का रस्सा खस्सी का खेल, विसल बजाने के लिए तैयार प्रिंसिपल मधु शेखावत जी। विसल के साथ दोनों टीमें ताकत लगाएगी, रस्सा खींचेगी और ये मुकाबला शुरू हो चुका है। ये देखिए किस तरह से ताकत लगाई जा रही है, और देखिए उत्साहवर्धन किया जा रहा है, पूरी ताकत लगा रही है दोनों टीमें। अभी तक आगे नहीं बढ़ी है कोई टीम, और ये टोपेज की टीम थोड़ा उन खींच रही है। टोपेज की टीम यहाँ पर ताकत में जीती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सेंटर लाइन के काफ़ी करीब आ गई है यहाँ पर कोरल हाउस की टीम। जोरदार मुकाबला आप देख रहे हैं रस्सा खस्सी का, जोरदार मुकाबला हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोरल हाउस की टीम ने टोपेज को काफी करीब ला दिया है। बहुत शानदार मुकाबला आप देख रहे हैं रस्सा कस्सी का, और पैर उखड़ने लगे टोपेज के। यहाँ पर टोपेज के खिलाड़ी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब पहुंच गए हैं, और मुश्किलें हो सकती है, ताकत लगा रहे हैं आप देख रहे हैं सारे खिलाड़ी टोपेज के लिए। और ये इसी के साथ ये आप देख रहे हैं ये जीत गए हैं, कोरल की टीम जीत गई है मुकाबला। तो ये देखिए जीत की खुशियां, क्या बात है, शानदार मैच था ये। और अब कोरल और सफायर का फाइनल मुकाबला होगा, जो दोनों टीमें जीती थी वो फाइनल खेलेगी। रस्सा कस्सी का शानदार मुकाबला आप देख रहे हैं, दोनों मुकाबले शानदार हैं और फाइनल होगा कोरल और सफायर के बीच में। दोनों क्वालिफाई राउंड में जीती थी और दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। वास्तव में बहुत मजा आ रहा है और छोटे छोटे बच्चे अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करें। पिछला मुकाबला तो बहुत ही शानदार रहा था, एक टीम जो पहले बिल्कुल सेंट्रल लाइन के करीब आ गई थी लेकिन पूरी ताकत लगाकर आखिरी राउंड में उन्होंने ताकत लगाई और जीत गए। अब देखते हैं ये फाइनल मुकाबला कौन जीता है। फाइनल हो रहा है कोरल हाउस और सफायर के बीच,
दोनों टीमें अपना मैच जीतकर फाइनल में पहुंची हैं। कोरल की टीम ने बहुत शानदार अभी मुकाबला जीता था, एमिरेट्स को पराजित किया था। पूरा उत्साह दोनों टीमों में फाइनल मुकाबले को लेकर। सफ़ेर और कोरल की टीमें फाइनल खेल रही है और ये प्रिंसिपल मैम विशल बजाएगी तब खींचना शुरू करेंगे। मैं बता दूं ब्लू में सफ़ेर हैं और रेड में कोरल और फाइनल मुकाबला है रस्सा खस्सी का ये, और ये विशल बज चुकी हैं। ये देखिए देखिए किस तरह से ताकत लगाई जा रही है, क्या बात है। और यहाँ पर ये पूरी तरह से सफ़ेर की टीम जीत की तरफ जा रही है, सफ़ेर जीत रही है, कोरल को उन्होंने खींच लिया है। और ये इसी के साथ ये देखिए, और ये सफ़ेर जीत गया है रस्सा कसी में। ये देखिए जीत की खुशियां, देखिए क्या बात है, वाह शानदार, बहुत जल्दी पराजित कर दिया इस बार कुछ ही सेकंड में। और यहाँ पर शॉट पुट हो रहा है यानी गोला फेंक, टॉप एज के खिलाड़ी गोला फेंक रहे हैं। मिश्रा जी की देखरेख में पूरी रेफरीज की टीम काम कर रही है और टॉप एज के देवेंद्र गोला फेंकेंगे। देखते हैं कितना फेंकते हैं, 18-4 फेंका देवेंद्र ने। और अब सुमित गोला फेंकेंगे, इस सर्किल में रहकर फेंकना होता है, पैर बाहर निकलने पर फाउल हो जाता है। और ये अच्छा फेंका, इस बार ऊंचाई से फेंका, 21-9 बहुत अच्छा फेंका है। और अब योगेश फेंक रहे हैं, तेरा फेंक दिया था, 18-10 फेंका है। और अब रॉबिन गोला फेंक रहे हैं, अच्छा फेंका है रॉबिन ने, 19.8 फेंका है। अब नारायण गोला फेंक रहे हैं, कोई खास नहीं फेंक पाए, नापा जा रहा है कितना फेंका गया है, 16-1 फेंका। और शाहिल फेंक रहे हैं, साहिल ने 17-2 फेंका है। सिद्धार्थ पारिक गोला फेंक रहे हैं, अच्छे डिल्लोल के खिलाड़ी हैं, ओह अच्छा नहीं फेंक पाए। मैडम यहाँ भी पहुँच गई है, देखिए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर गोला फेंकने के लिए पहुँच गई है मधु जी, अच्छा फेंका है, अच्छा फेंका है, रियल में अच्छा फेंका है। और संग्राम जी फेंक रहे हैं, पर खेल में उनका दबदबा है, बहुत शानदार फेंका है, बहुत शानदार फेंका है। और अब शाम शॉर्ट पुट में गोला फेंकते हुए, अच्छे फिटनेस है इनकी, देखते हैं कितना फेंकते हैं, बहुत अच्छा फेंका है, बहुत अच्छा फेंका है, 22-8 फेंका है सबसे अच्छा। राहुल गोदारा गोला फेंकते हुए, कोई खास नहीं फेंक पाए। ये था सुजानगढ़ के बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट के आज दूसरे दिन आपने अनेक प्रतिस्पर्धाओं के मुकाबले देखे, जिसमें हमने आपको वॉलीबॉल का खेल दिखाया, कबड्डी का खेल दिखाया, खो खो का खेल दिखाया, और छोटे छोटे बच्चों का जो मटका दौड़ रस्सा खस्सी का खेल वास्तव में बहुत शानदार रहा। और कल ऐसे एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आखिरी दिन रहेगा जहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह का। ऐसे अनुसूचना के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।